मौलाना साहब, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये चूंटियाँ किस तरह दीवारों और दरवाज़ों पर चढ़ रही हैं और फिर ये कैबिनेट में घुसकर खाने पीने की अशिया को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जिन इस्लामी भाई का घर है, इनका आपसे सवाल ये है कि इन्होंने चूंटियों को हटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से ना हटती हैं ना जाती हैं। ऐसी सूरत में इन्हें मारना या नुकसान पहुँचाना कैसा, और इनको भगाने के लिए क्या किया जाए? चूंटी अगर ईज़ा पहुंचाती है तो उसको मार डालने में हर्ज नहीं है, न दफ़े ज़रर के लिए नुकसान से बचने के लिए मार सकते हैं चूंटी को। वैसे इनको भगाने के लिए एक वो आता है, ये आपको मिलेगा पंसारी, देसी दवाओं की दुकान पर हींग, ये नाम लिख लें हींग, तो ये हींग जो है ना, ये ख़रीद कर अगर इसको जहाँ जहाँ चोटियाँ होती है उसके करीब डाल देंगे ना, या पोटलियाँ बना कर रख देंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ से ये चूंटियाँ भाग जाएंगी। ये कोई इसको हासिल करना कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की तरह दुश्वार नहीं है। जहाँ भी ये देसी दवाओं की दुकानें होती है ना, वहाँ पूछेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। उनके पास नहीं होगी तो वो बोल देगा कहीं और से, वो बता देगा कि वहाँ मिलेगी, पूछ लेंगे तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ये कि ये तो है कि चूंटियाँ दफ़े ज़रर के लिए इसको मार भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो भगाना तो खैर इनको मारना है भी नहीं, वो मारना और चीज़ है, भगाना और चीज़ है। और कपड़े पर आ गई, फूंक मार के इसको फूंक मार के हटाया जाए, या यूं करके देखो ये चूंटी इधर जैसे यूं करेंगे ना तो गिर जाएगी। अब ये बाद लोग उठाते हैं इसको, अब ये बेचारी उठाने जैसी कहा, अब ये उठाने से अगर मरी भी नहीं तो बेचारी अब मजूर हो गई, होने का पूरा इम्कान है कि इसके हाथ पैर आपके उसमें टूट जाए। और ये गरीब अब फौरन तो नहीं मरेगी, नहीं हो सकता तड़प तड़प के मरे। तो ये तो बेदर्दी, मैंने ये अगर कहूँ तो 99.9 लोगों में ये बेदर्दी पाई जाती है। चूंटियाँ वो झाड़ू से यूँ वो हटा लेते हैं, झाड़ू ये बेचारी झाड़ू का बर्दाश्त कर सकेगी? झाड़ू से इनको घसीटेंगे आप तो ये तो अगर वही मरेंगी नहीं तो जख्मी तो हो जाएंगे, हाथ पैर टूटेंगे। बहुत मुश्किल है कि ये बेचारी चूंटी जो झाड़ू आप इस पर चलाएं और ये बच जाए, मुश्किल है ज़रा, कुछ बच जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे। तो इनको अगर ये ज़मीन पर हैं तो इसको जैसे कपड़ा है तो कपड़े को यूं करके दो हाथ से पकड़ के यूं झटके मारेंगे ना कपड़े को, तो ये हवा के झटकों से वो दूर हो जाएगी और इनमें भगदड़ भी पड़ेगी। ये तरीका या इस तरह फूके मार मार के इसको ऐसा, हालांकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और ये अल्लाह का जिक्र करती है और बड़ी प्यारी मखलूक।